नमस्कार साथियों, हाय, दिस इज शेखर सिंह और आप सभी से हम एक चर्चा करेंगे कि कुछ जो लाइफ के इम्पोर्टेंस होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ रिश्ते होते हैं और कुछ दोस्त होते हैं, और ऐसे ही बहुत कुछ आपके कलीग, स्टाफ, वरिष्ठ और कनिष्ठ होते हैं। तो कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ गलतियाँ होती है, इससे किस तरीके से जो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, जो आपके जो हमदर्द हैं, जो हम यार हैं, जो आपके हम उम्र है, वो आपसे किस तरीके से बिछड़ जाते हैं, इस पे बात करेंगे। तो क्या है ना साथियों, इसमें एक चीज़ है, क्या है ना कि अगर आपको दर्द है तो ये पेन रिलीफ है, पेन रिलीफ बाम है, और दर्द है और दर्द में समय रहते आप पेन रिलीफ बाम लगाएंगे तभी क्या है आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा और आपका दर्द क्या है ख़त्म होगा। बट एक्चुअल में हमारे रिश्तों में क्या होता है ना, हम समय रहते उन चीज़ों को जान नहीं पाते, या समय रहते हम जहाँ हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, फॉरगिव में बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, तो वो चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। और इस रिश्तों में ना जो दूरियाँ, जो दरारें फिर पड़ती जाती है, पड़ती जाती है, और वह अब फिर वह आप कितना भी मलबे ले आओ, कुछ भी ले आओ ना, वो उस दरार को पाट नहीं सकते। तो अगर हम समय रहते ना, एक टाइम होता है, एक टाइम स्पेस टाइम होता है, यू टू एक टाइम, ओके आई अंडरस्टैंड, और ये होना भी चाहिए हर एक रिश्ते में। लेकिन रिश्ते में समय रहते अगर आप सॉरी बोल देते हैं, समय रहते आप जान जाते हैं कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ खामियां हैं और कहाँ सुधार की जा सकती है, तो आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। कोई भी रिश्ता हो, एनीथिंग, डजेंट मैटर कि वह किस मैटर से वह रिश्ते में जो दरार आई हैं, जो कड़वाहटें आई हैं, इफ यू आर फेसिंग आप दैट या दिस प्रॉब्लम, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो यू ऑलवेज अंडरस्टैंड, यू टेक टाइम, इन एक समय के साथ एक टाइम बाउंड में सॉरी बोलें, चीज़ों को एक्सेप्ट करें, चीज़ों को जो एज इट है एज इट इज़ है, ना कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा नहीं, जो एज इट इज़ है उन चीज़ों को आप जानें, समझें, और समय रहते ना उन चीज़ों में एक पेन रिलीफ का काम कराएं, उस दर्द को मिटाने के लिए सॉरी बोलें, अपनी गलतियों को कबूल करें, एक्सेप्ट करें, और इसी से ना पूरा समाज, सोसाइटी, धर्म, संस्कृति, आचार व्यवहार, राजनीतिक व्यवस्था सारे सुधरने वाले हैं। जहाँ आपके दोस्त, आपके परिवार आपके साथ नहीं है ना, जहाँ आपका साथी आपके साथ नहीं है ना, तो पूरा आप जितना भी जो आपके अचीवमेंट है ना, जो आपके गोल हैं, जो आपके सक्सेस हैं, जो आपके जो लाइफ आपने पूरा दिया है, जो डेडिकेशन के साथ, जिस अपने पूरे मेहनत को उस लाइफ में आगे आने के लिए आपने जो करा है ना, लेकिन उस समय अवधि में आपने कुछ गलती करी और कुछ रिश्ते तोड़े, कुछ घर उजाड़े, तो अगर समय रहते आपने सॉरी बोल दिया ना, तो सारी चीज़ें माफ़ है, सारी चीज़ें आपको कबूल करना आना चाहिए। आप एक्सेप्ट करिए कि आपको आपसे गलती हुई है। आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो जाएं, IAS हो जाएं, पॉलिटिशियंस हो जाएं, जज हो जाएं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएं, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या समय रहते उस गलतियों से जो दरारी आई है, जो खामियां जो सोसाइटी में, जो समाज में, जो रिश्तों में, उसको आप पाट नहीं पाते हैं, तो पूरी लाइफ आपको सफ़र करनी पड़ेगी, पूरी लाइफ आपको ठोकरें मिलेंगी, बद से बदतर होंगी लाइफ और पूरा वर्स्ट होने वाली है लाइफ। तो इसमें आपको ही सुधार करना है, आपको जानना है कि कब पेन रिलीफ लगाएं ताकि वो दर्द खत्म हो जाए। बस ये मैसेज था भैया, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।